बात करते हैं ग्वालियर के, जहां लंबे समय बाद बाइक सवार लुटेरों ने आमद दर्ज कराई है। मंगलवार को दिन दहाड़े यह बाइक सवार लुटेरे एक प्रॉपर्टी डीलर के गले पर झपट्टा मार कर चैन लूट ले गए थे। वारदात मुरार के 6 नंबर चौराहा पर उस समय हुई जब प्रॉपर्टी डीलर अपने डॉग को सैर कराने निकले थे। वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, साथ ही उनकी बाइक की आधी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इस वारदात के 5 मिनट बाद ही गोला का मंदिर मेला ग्राउंड पर इसी तरह बाइक सवारों द्वारा चेन लूट की खबर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई नहीं मिला। मुरार पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उपनगर मुरार की सीपी कॉलोनी के पास स्थित बैंक कॉलोनी निवासी त्रिलोक सिंह राजपूत पुत्र गुलाब सिंह प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। रोज की तरह मंगलवार को वे अपने डॉग को सैर कराने के लिए निकले थे। अभी वह 6 नंबर चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से अपाची जैसी बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाश उनके पास पहुंचे और पीछे से झपट्टा मार दिया था। झपट्टा मार कर बदमाश 2 तोला बजनी सोने की चैन लूट ले गए हैं। वारदात का पता चलते ही प्रॉपर्टी डीलर ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई और उनकी बाइक का नंबर लेने के लिए जैसे ही नंबर प्लेट पर नजर डाली तो पता चला कि बदमाशों ने नंबर प्लेट तोड़ी हुई लगाई थी। गाड़ी का आखिरी नंबर सिर्फ एक ही नजर आया, जिससे बाइक सवार बदमाशों का सुराग लगा पाना बहुत मुश्किल है। वारदात का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के बाद बदमाशों की तलाश में शहर भर में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि गोला का मंदिर थाना स्थित मेला ग्राउंड में भी एक चेन लूट इसी तरह के हुलिया वाले बदमाशों ने की है, पर पुलिस को स्पॉट पर कोई नहीं मिला। दोपहर तक कोई फरियादी थाने नहीं पहुंचा था। लूट के शिकायत प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वह सड़क के रॉन्ग साइड वॉक करते हुए जा रहे थे और बदमाशों ने भी उसी साइड पर आकर पीछे से वारदात को अंजाम दिया था। दोनों बदमाश की उम्र 20 से 25 रही होगी। बाइक चला रहे बदमाश ने पीली टी शर्ट पहनी हुई थी और पीछे बैठे बदमाश ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश कैद हुए हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की तो वहीं पता चला कि बाइक पर आगे 5S लिखा हुआ है। अब पुलिस बाइक के व हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ASP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दूसरी घटना का फरियादी अभी शिकायत करने के लिए नहीं आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ है आपके साथ में? कुछ नहीं, बगल में से निकल के जा रहा था, पीछे से अपाचे गाड़ी आई है, दो लोग बैठे हैं पीछे, नाक पे से मेरे सोने की गंजी पे झपट्टा मार के ले गए। कितने जने थे वो? दो लोग। काई पे थे? अपाचे पे। और क्या शक्ल पहचानी आपने उनकी? अब पीछे से तो कोई शक्ल नहीं पहचानी, टी शर्ट पहना था पीछे वाला। अच्छा। और नेम प्लेट टूटी हुई थी।